तो ये है हमारी नई थार, ये है ऑटोमेटिक और 4x4 पेट्रोल टर्बो है ये, और इसमें आपको वो सारा मज़ा आएगा जो पुराना जो थार में पुराने थार में आता था, लेकिन इसमें जो एडेड चीज़ है वो है इसका जो कंफर्ट है, वो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो इसके कॉस्मेटिक चेंज है, इसका जो फ्रंट ग्रिल है ये चेंज हुआ, लाइट हो गए, DRL लग गए, इसके अलावा आपको जो ड्राइवेबिलिटी है उसमें सेम मज़ा आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नई थार आई है, नई थार पुरानी थार से कम है या ज़्यादा है, ड्राइवेबिलिटी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि इसमें मतलब क्या माइनर चेंजेस हैं। तो अभी इसके साइड के व्यू को देखेंगे, आपको एक तो फुटरेस्ट आपको चेंज मिलेगा, पहले जो रॉड्स आती थी वो लगता था, जो मोटे मोटे रॉड होते थे, और इसके अलावा जो इसका बोनट ओपनिंग का जो इसका स्टाइल है, पहले पुल करके ओपन करते थे, लेकिन अब इसका रैंगलर आपने देखा होगा, रैंगलर का एकदम सेम स्टाइल दिया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, जो पुरानी थार है अब वैसे भी कंपेयर करेंगे तो आपको वैसे ऑलमोस्ट सेम लगेगा, लेकिन डिज़ाइन का जो आपको जो एजेस दिए गए हैं वो एकदम सॉफ्ट एजेस दिए गए, आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको सॉफ्ट एजेस ही मिलेगा, और 4x4 का आप लोगो यहाँ पे देख पाएंगे। तो और इसके टायर का जो साइज़ है वो भी 18 इंच कर दिए, देख लीजिए बड़ा ह्यूज मॉन्स्टर टायर है। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, जितना आपका आप जितना खर्च करना चाहें गाड़ी पे उतना खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और जो साइड का लुक है वो भी आपको ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। अब आपको रियर की प्रोफाइल में आपको 18 इंच का टायर मिल जाता है, और जो रैंगलर में भी आपको सेम ही मिलता है जो पीछे का टायर होता है। अब इसमें जो प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँ, जब इसको डोर को आप ओपन करेंगे तो आप चाहे तो इसको पूरा ऐसे ऊपर कर सकते हैं, आप उसके बाद चाहे तो डोर बंद कीजिए, जब हिल स्टेशन में हो कहीं जा रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छा व्यू देगा रियर का। लेकिन ध्यान रखिएगा, बच्चे कोई हो तो उनको ये अलाउ मत कीजिएगा कि जो खुला शीशा है उसके साथ आकर बैठे। अब इसको बंद करने के लिए भी हमें इसको ऐसे नीचे कर देना है और इसको बंद कर देना। ऑब्वियसली आप इसको खोल के गाड़ी नहीं चलाएंगे, इसको बंद ही रखेंगे। इसके बाद आपको डिफॉगर दिख जाता है और आपको ऑटोमेट की बैजिंग मिलती है। अब आपको मैं इंटीरियर के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे ही आप थार के अंदर बैठेंगे आपको सिल्वर और ब्लैक फिनिश मिलता है और पूरे डैश में, और एसी जो है, एसी की जो बाउंड्री लाइन है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलेगी। आपको 4x4 का गियर मिलेगा और ऑटोमेटिक का गियर लीवर भी आप देख पाएंगे उसके अंदर। जो आपका स्टीरियो है वो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चलता ही है। ये सिर्फ स्टीरियो नहीं है, जब 4x4 आप यूज़ करेंगे उसमें आपको मल्टीपल गेजेस मिलते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी देर बाद वो भी दिखाऊंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर है, लास्ट जो थार थी उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन जो सेंटर कंसोल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब आप, मैं स्टीरियो के साथ की बात कर रहा हूँ और 4x4 जो गियर का लेवर है मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, अगर उसको आप ध्यान से देखें। आपको स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर है थार 2021 का। अब इसका जो मेन प्लस पॉइंट है वो है इसके रियर सीट। जो पुरानी थार थी उसमें आपको बेंच सीट मिलते थे, हालांकि बहुत लोग उसको मॉडिफाई करा के उसको कंफर्टेबल सीट भी बना देते थे, लेकिन अभी जो कंपनी फिटेड है वो आपको टू सीट, आपको दो सीट पीछे मिलती है और बहुत ही कंफर्टेबल बकेट सीट्स हैं वो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको पीछे की सीट में जाने के लिए फ्रंट का जो सीट है वो आपको फोल्ड करना पड़ता है। जो एज्ड होते हैं वो इजीली, जो एज्ड या जो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चढ़ाई चढ़ने में, वहाँ पे आपको इशू हो जाता है अंदर घुसने में, लेकिन मैं घुसने के बाद कंफर्ट आपको अल्टीमेट मिलता है और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है पीछे वाली सीट में बैठने में भी। अब ये थार को मुझे चलाने का भी मौका मिला, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सुपीरियर फील करवाती है जैसे गाड़ी चलाते हैं और जब इसको ड्राइव करते हैं, जो जो फ्रंट के बोनट का व्यू है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है। और इस कार को आप कहीं पे भी, आप कार नहीं मैं SUV बोलूँगा, कहीं पे भी आप लेके जाइए, आपको निश्चिंत होकर आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये 4x4 एक रियल SUV है ये। इसको मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव किया, मैंने इसको नॉर्मल रोड पे भी ड्राइव किया और एक ऑफ रोडिंग जगह पे भी मैंने इसको ड्राइव किया, और मुझे एक कॉन्फिडेंस था मन में कि ये गाड़ी कहीं पे भी मुझे धोखा नहीं देने वाली। इस गाड़ी को ड्राइव करने का एक मज़ा ही अलग है। अगर
अगर सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें और आपको एक 4x4 ही चलानी है तो मेरे हिसाब से आपको थार पे ही जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि जो रियर सीट्स हैं उसमें एंट्री के लिए आपको फ्रंट से ही जाना पड़ेगा। जो एज्ड होते हैं हमारे फादर मदर वो सब ईजिली अंदर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन एक बार बैठ जाते हैं तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो सिर्फ स्टीरियो नहीं, इसमें ऑफ रोडिंग के मल्टीपल गेजेस मिलते हैं। गाड़ी कितनी टिल्ट है, कितनी डिग्री पे खड़ी हुई है, ये सब आपको ये स्टीरियो बताएगा जब आप इसको ऑफ रोडिंग ऑप्शन ऑन करेंगे। गाड़ी का सेंटर पॉइंट ये भी आपको ये स्टीरियो बताएगा। ऑफ रोडिंग में ये गेजेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसके लुक की सिर्फ बात करें, लुक आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आपको फ्रंट जो ग्लास है इसमें आपको दो कैमल चलते हुए और आपको आगे थार मिल जाएगा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार है, बहुत ही अच्छी है देखने में। अगर आप इसको लेना चाहें और रियल ऑफ रोडिंग का आपको मज़ा चाहिए तो मैं आपसे यही एक सजेशन दूंगा कि आप थार लीजिए। और अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहें ऑटोमेटिक लीजिए, मैनुअल लेना चाहिए मैनुअल लीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं लेता तो मैनुअल थार लेता, और ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।